नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। तो चलिए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। भगवान जगन्नाथ की घर वापसी यानी घुरती रथ यात्रा और बकरीद पर्व को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस की ओर से आज शहर में फ्लैग मार्च किया गया। चाईबासा SDPO दिलीप खलखो के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का पैदल भ्रमण किया और लोगों से सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई। SDPO दिलीप खलखो ने कहा कि आज रथ यात्रा को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है और कल बकरीद को लेकर पूरी तैयारी की गई है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी रखी जाएगी। किसी भी तरह से उपद्रव करने वालों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार कल बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है और आज रथ भी है, तो उसी के मद्देनज़र हम लोग आज फ्लैग मार्च निकाले। और बकरीद को लेके हमारे पास अतिरिक्त पुलिस बल है। हमारे पास जगह जगह जहाँ जहाँ संवेदनशील है वहाँ पे हम लोग पुलिस प्रतिनिधित्व रखेंगे। उसके बाद ड्रोन से भी हम लोग निगरानी रखेंगे और बाकी हमारे पास सारी जो भी इक्विपमेंट है वो है हमारे पास। व्यवस्था कोई भी अगर इस तरह का गड़बड़ करता है या उपद्रवी आएंगे उसको हम लोग सख्ती से लेते हैं। 9 दिनों तक मौसीबाड़ी में विश्राम करने के बाद भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ घर वापस लौट आए हैं। रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ की घर वापसी के दौरान उनके दर्शन के लिए चाईबासा शहर की सड़कों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। चाईबासा शहर के लोगों ने भगवान जगन्नाथ को प्रसाद चढ़ाया और परिवार एवं समाज की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। घुरती रथ यात्रा के दौरान विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस की ओर से पर्याप्त संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। SDO शशींद्र कुमार बड़ाइक, SDPO दिलीप खलखो, CO गोपी उरांव और सदर थाना प्रभारी निरंजन तिवारी रथ यात्रा के दौरान खुद भी साथ साथ चलते नजर आए। जिला प्रशासन और पुलिस की कोशिश है कि 2 दिनों के इस त्यौहार रथ यात्रा और बकरीद के दौरान किसी भी हालत में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं पाए। पुलिस जवानों को तैनात किया गया है, पदाधिकारी खुद भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आज ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन आमला टोला स्थित डॉक्टर्स एक्सरे में किया गया। इसका उद्घाटन चेंबर के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल ने किया। कैंप में ब्रह्मानंद नारायणा अस्पताल जमशेदपुर के कुशल तकनीशियन द्वारा चाईबासा शहर की 15 महिलाओं की निःशुल्क जाँच की गई। इस अवसर पर चाईबासा चेंबर के संस्थापक अनुप कुमार सुल्तानिया, पूर्व अध्यक्ष अनिल खिरवाल एवं ललित शर्मा, निवर्तमान अध्यक्ष नितिन प्रकाश, उपाध्यक्ष विकास गोयल, सहसचिव दुर्गेश खत्री, कार्यकारिणी सदस्य गोविंदा खेतान, गौतम राठौर, प्रताप कटियार, विकास अग्रवाल, पिंटू अग्रवाल, सरदार जसपाल सिंह, अनुप जोशी एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। स्कूल का पोशाक लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस।
डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। सात जुलाई से वाराणसी में चल रहे तीन दिवसीय वाइस चांसलर मीट में शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर गंगाधर पंडा ने कोल्हान विश्वविद्यालय के तरफ से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के संबंध में टीआरएल की चुनौती के संबंध में अपने विचार रखे, जिस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी चुनौती के समाधान करने हेतु अपना मार्गदर्शन दिया। इस कार्यक्रम में कोल्हान विश्वविद्यालय को शामिल करना गौरव का क्षण रहा। तीन दिन के सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। जन वितरण प्रणाली से संबंधित जन सुनवाई झिकपानी प्रखंड के असुरा गांव में आयोजित की गई। जन सुनवाई के दौरान 19 समस्याओं और 4 प्रत्यक्ष आरोप से संबंधित शिकायत को सूचीबद्ध किया गया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर आयोजित जन वितरण प्रणाली से संबंधित जन सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अमित प्रकाश, सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशींद्र बड़ाइक, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अनुप कच्छप के अलावे जनप्रतिनिधि, दुकान संचालक और कार्डधारी मौजूद थे। जन सुनवाई के दौरान समस्याओं को सूचीबद्ध करने के बाद मौजूद पदाधिकारियों के द्वारा जनप्रतिनिधि प्रणाली के तहत राशन दुकानदारों को एक सप्ताह के अंदर समस्याओं का निराकरण करने और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को समस्या के निराकरण के लिए कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन जिला कार्यालय को उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया। आज जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा अपने क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र अंतर्गत मौजूद सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों का वितरण पंजी की जांच की गई। उनके द्वारा नियमित रूप से राशन का वितरण किया जा रहा है या नहीं, यह देखा गया। साथ ही साथ दुकानदारों के द्वारा जिस माह का राशन का उठाव किया गया है, उस माह के खाद्यान्न का वितरण लाभुकों के बीच सही समय एवं सही मात्रा में किया जा रहा है या नहीं, इसके बारे में भी जानकारी ली गई। जन वितरण प्रणाली दुकान में राशन लेने आए लाभुकों से भी पदाधिकारियों ने बात की। उन्हें नियमित और सही समय में राशन दिया जा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इसके बारे में पूछा गया। लाभुकों से शिकायत मिलने पर तत्काल समाधान भी किया गया। मंझारी प्रखंड के तोरलो जलाशय को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पश्चिमी सिंहभूम के जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। तोरलो जलाशय को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए शनिवार को उपायुक्त अनन्य मित्तल, चाईबासा के वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार, मंझारी के प्रखंड विकास पदाधिकारी समीर रौनियार, जिला खेल पदाधिकारी राजेश कुमार चौधरी, भवन प्रमंडल के कार्यपालक पदाधिकारी सैफुल्ला अंसारी ने जलाशय का जायजा लिया। इस दौरान जलाशय क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सुगम आवागमन, नौकायन प्लेटफॉर्म, दर्शनीय पॉइंट के स्थल के चयन को लेकर उपायुक्त ने भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को प्राकलन तैयार करने के लिए पुनः जलाशय का जायजा लेने का निर्देश दिया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।